10 और देख रहे हैं रोटी, और इधर है। और जैसे देख रहे हैं हम लोग घर में क्या चूल्हा में खाना बेटा बनता है, बेटा चूल्हा में खाना बनता है, और इधर गैस भी। ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत। आज का ब्लॉग होने वाला है कि जो मेरी भाभी आज खाना क्या बना रही है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहे। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड, मेरी भाभी खाना बना रही है, जो कि हम लोग जाने वाले दुकान काम करने के लिए। भैया भी जो कि नाश्ता बन रहा है। अभी बज रहा है टाइम 10 और देख रहे हैं रोटी, और इधर और जैसे देख रहे हैं हम लोग घर में चूल्हा में खाना बनता है, चूल्हा में खाना बनता है, और इधर गैस भी है, गैस भी है। और इधर देख रहे हैं चिकन, जो कि रात को चिकन बना था, जो कि गर्म करके जो भी बचा हुआ है हम लोग खा के जाएंगे दुकान। और इधर बाबू है, और इधर भी किचन है, जो कि इधर भी देख रहे हैं सब्जी बन चुका है जो भाभी बना ली है, जो कि आपको खाना हो तो फ्रेंड कॉमेंट कर सकते हैं आप। और इधर किचन है, और एक और किचन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए भैया का बेटा अभी हमेशा रोता है सुबह सुबह, और देखिए कैसे कैसे हंसेगा। और इधर ये एक और है, ये भी बदमाश है पूरा, ये मम्मी इसको पाउडर लगा रही है, ये देखिए बोलो हाय, बोलो तो हाय, बोलो हाय, बोलो तो बोलो, बोलो हाय, बोलो तो। जैसे कि देखिए अभी नहीं बोलेगा ये, एक गाड़ी में घूमना हो तो बहुत चिल्लाएगा फ्रेंड। और इधर दिखा रहे हैं जो कि इधर एक किचन है, जो कि किचन देख रहे हैं इधर भी, इसमें मतलब खाना नहीं बनता, इसे सामान वान रखा हुआ रहता, तो ये फल है, सामान वान सब रखा हुआ जैसे देख रहे हैं आप। और इधर कूलर रखा हुआ है, प्रसाद उरसाद रखा हुआ है, छठ पूजा का है। और इधर भी देख रहे हैं आप, और इधर फ्रिज, और जैसे देख रहे हैं ये जो कि अभी कहाँ जाएगा, मेरे साथ गाड़ी में जाएगा, गाड़ी में जाने वाला है अभी घूमने के लिए, जो कि जब दुकान जाएंगे इसको तो लेके जाएंगे सुबह सुबह। और इधर एक है जो कि भी रो रहा, दिखा रहे हैं हम आपको, जो कि भाभी को काफ़ी परेशानी होता खाना वाना बनाने में, जो देखिए इसको सुबह सुबह, देखिए देखिए इसको सुबह सुबह दूध चाहिए, नहीं तो काफ़ी रोने लगता है ये। घर में पूरा काम करना पड़ता भाभी मम्मी को, तो काफ़ी दिक्कत होता है करने में, जो कि अभी छोटा है काफ़ी है। जब आप इसका दूध लेते आओ तो इधर दूध जा लेकर आओ, ठीक देख रहे हैं दूध लाने गया है, जल्दी लेकर आओ, जल्दी बाबू को पिलाओ तो दूध, दूध पिए गए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो 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 ऐसे ऐसे, देखिए ये दूध पिएगा शांत रहेगा, दूध नहीं मिलेगा तो काफी कस कस से रोने लगेगा ये। और इधर देख रहे हो मेरा जो छत है, मैं दिखाने जा रहा हूँ मम्मी कहाँ कहाँ पूजा करती है सुबह सुबह उठकर, ना काम वाम करने के बाद उसके बाद पूजा करेगी, उसके बाद नाश्ता वास्ता दवा हुआ खाएगी, उसके बाद वो रेस्ट करेगी मम्मी, जो काफ़ी काम करती है मम्मी। और इधर भी कपड़ा वपड़ा साफ मतलब खींचा गया वॉशिंग मशीन में, जो कि ये ऊपर वाला रूम है हम लोग का, जो कि मम्मी यहाँ सुबह सुबह पूजा कर चुकी है, अगरबत्ती देख रहे हैं जल रहा। और इधर ये मेरा रूम जो खाली रहता है हमेशा, बॉक्स वॉक्स रखा हुआ रहता, और कुछ भी फंक्शन होगा घर में, फेस्टिवल तो छठ पूजा हो गया, तो कोई आए हैं मेहमान उमान तो इसी में रुकते हैं ऊपर वाला ये रूम में, और ज़्यादा हो तो नीचे वाला भी रूम में रुक सकते हैं। और मैं दिखा रहा हूँ आपको चूहा, तो मेरे घर में चूहा भी है, तो वो चूहा नहीं विलायती चूहा है इसको बोलते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, देखिएगा। देखिए ये चूहा है जो कि छत्ता पे है, देखिए ये देखिए ये चूहा है जो हम लोग घर में है, जो कि यहाँ देख रहे हैं फूल वूल लगा हुआ है छत पे, जो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर अचार है। और ये मेरा छत का लोकेशन है, अब नीचे चलते हैं फ्रेंड, जो कि मैं ऊपर का लोकेशन आपको दिखा चुका हूँ फ्रेंड, ऊपर का लोकेशन दिखा चुके हैं, कहाँ पे रखा हुआ है, जल्दी चलो चलो स्कूल चलो तुम, चलो चलो जल्दी चलो। और जैसे कि देख रहे हैं पढ़ने जा रहा आंगनबाड़ी, कितना बजे आ गए स्कूल से, जैसे जा रहा है आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए, पेंसिल से सब ले लिया, तो कल का पढ़ा एबीसीडी पढ़ा, एबीसीडी सुना तो, और ये जा रहा अभी आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए, कितना बजे आएगा बाबू, 12 बजे आएगा, बाय मम्मी किया, बाय बाय कर दो मम्मी को,
बाय करो, नहीं किया बाय। और जैसे देख रहे मम्मी यहाँ पे हुआ कौड़ा है, और यहाँ पे देख रहे इसका बरी पड़ाएगा जो कि छोटा छोटा होता, अच्छा खाने में लगता है, जो कि सी मतलब आलू और बैंगन के साथ बनता है सीम, जो कि इसमें पड़ाएगा, उसके बाद आलू डाल के उसके बाद धूप में सूखे, उसके बाद ये बनता है, जो कि मम्मी देख रहे हैं काट रहे हैं। और इधर अब हल्का सा बचा हुआ आटा जो कि भाभी रोटी बना लिए, जो कि चूल्हा पे बना रही है, मतलब चूल्हा पे मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो गैस पे बनाते गैस भी होने का कारण हो सकता है, और जस्ट चूल्हा पे भी मतलब ठंडा के समय में आग तापने का काम भी आता है चूल्हा, ये देखिए। और इधर पानी वानी रखा हुआ चारों तरफ से, और ये देखिए टॉयलेट कर दिया अभी, और दूध खाली पिएगा ना, टॉयलेट करते रहता है। देखो बोलो, हंसो तो बाबू, हंसो तो, हंसो तो, अच्छा हंसो, हंसो 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 हंसो, लोग काफ़ी बदमाशी करता है ये, अभी सोया हुआ है, सोया हुआ नहीं, सोएगा तो ठीक है, ना तो बहुत बदमाशी करता है, सुबह सुबह उठ जाएगा 4 बजे सुबह में, जो कि इसको दूध चाहिए, दूध नहीं मिलेगा तो वो काफ़ी कस कस के रोने लगेगा। ये देखिए दूध कैसे पिएगा, ये पकड़ो पकड़ो तो पकड़ो तो दूध पकड़ो, जल्दी पकड़ो पकड़ो तो, पकड़ के देखिए अपने आप पिएगा, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, जो 3-4 महीना का ही है, जो कि हल्का सा पकड़ लेता, देखिए हंसेगा फ्रेंड, ये हंसो तो हंसो तो हंसो तो हंसो तो, देखो देखो, और जैसे कि देख लेंगे इसका भाई का बॉल उल है बैट उट, जो फेंक के गया स्कूल, अभी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में पढ़ के आएगा, उसके बाद घर में बदमाशी करने वाला हूँ। फिर फ्रेंड देख रहे हैं अब हम लोग नाश्ता करेंगे, जो कि बन गया रोटी अब, और देख रहे हैं हल्का सा बच्चा आटा, जो मम्मी नाश्ता कर रही है, जो भाभी दी नाश्ता, और हम भी नाश्ता करेंगे, उसके बाद दुकान निकलेंगे फ्रेंड। चिकन गरम हो रहा, चिकन और रोटी खा के जाएंगे नाश्ता दुकान, यहाँ पे देख रहे हैं चिकन गरम हुआ, और यहाँ पे देख रहे हैं चिकन रोटी निकल गया है नाश्ता सुबह सुबह, जैसे देख रहे हैं रोटी चिकन, मुझे भी अच्छा लगा चिकन रोटी खाने में, आपको खाना तो फॉलो कर सकते हैं चिकन रोटी मॉर्निंग सेवन नाश्ता। तो दोस्तों मेरा ब्लॉगिंग कैसा लगा हो, तो फिर ब्लॉग में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरी भाभी आज खाना बनाई, कैसा लगा ब्लॉगिंग हमारा, क्योंकि रोटी सब्जी और चिकन बनाई थी, तो हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें आप लोग, मेरी भाभी कैसी लगी खाना बनाने में, कैसी है दिखने में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय फ्रेंड।